अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। डिसेंबर क्लास के अंदर आपको फिर से वेलकम खुशामदीद नई वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये भाई साहब थंबनेल पे आप देख ही लिया होगा, तो ये एक भाई की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा चले आप सब ए टू जेड डिटेल के साथ जो मैंने भाई ने पूछ बता रहे थे तो मैं उनको व्हाट्सएप पर भी कैड कर सकता था। मैंने सोचा चले आपको जो है ना वीडियो बनाऊँ ताकि भाई को तो पता चलेगा, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रश है फाइबर ग्लास का काम करते हैं, तो उसके फाइबर ग्लास का काम करते हैं तो आप करते हैं आपको पता होगा। इसके अलावा जो है फाइबर ग्लास कितना कार है, मैट होगी, एम ई के पी, कबार, ट्रेजन, अदरवाइज कुछ भी चीज़ हो तो ये नहीं है तो फिर काम नहीं है, ठीक। तो इसको जो है बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, बार बार ख़राब हो तो इसको फेंक नहीं सकते, एक बार यूज़ कर फेंक नहीं सकते भाई, क्योंकि 190-200 के करीब मिलता ही है, ठीक है, बहुत महंगा है, ठीक। तो इसको जो है कैसे ठीक करना है, जो हम काम करते हैं उसके जब काम हमारा जय कोड लगाते हैं तब भी उसके बाद ब्रश साफ करना होता है, ठीक। महंगी से महंगी प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते, हम आज इस वीडियो में बताएंगे सस्ती से सस्ती, ठीक है, तरीका बताने का भी, बनाने का भी सिखाएंगे, होम मेड घर में बनाने की आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें घर में बनाई हुई हैं, तीन चार बहुत सारी है मेरे पास, तो मैंने आज तीन तकरीबन शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और उसका बनाने का तरीका भी शेयर करूँगा और इस्तेमाल करने का भी, ये नहीं कि भाई मैंने बनाने का तरीका आपने चले जी स्किप कर गया और जो है अपना काम शुरू किया, चले मैं कर गया बन गया, नहीं। इसको जो हर किसी के काम का तरीकाकार होता है, ठीक है। जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ तो वो जो है घर में बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो चले जी वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर किया करें, किसी किस्म का मसला है कमेंट जरूर किया कर दिया करें, और जो है बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन है उसको सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलें आज हम आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट अपनी, ठीक। तो देखें भाई साहब, अगर ये ब्रश है एक बार नया हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी हालत जिसी हो जाती है, ठीक है। तो फिर अगर हम इसके ऊपर जेल लगाओ तो फिर इसको जो है ना साफ करना है कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर ब्रश क्लीनर लेंगे ना, ये 500 रुपये लीटर है, ठीक है, ये ब्रश क्लीनर। सबसे पहले मैं आपको जो अपनी प्रोडक्ट है वो आपके साथ शेयर कर लूँ जो मैंने बनाई है खुद, ठीक है। एक तो भाई ये ब्रश क्लीनर, ठीक है, इसकी प्राइस भी साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। ये अगर ब्रश क्लीनर हो गया बाजार से मिलता है, बहुत महंगा है, ठीक। ये है जी थिनर, ये भी महंगा है, ठीक है। और जी अब आ जाते हैं अपनी घर की बनाई हुई चीज़, एक ये है, ठीक है, चेक कर लें। इसकी यह जी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 4400 रुपये, ठीक, 4400 रुपये का आप लीटर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बना सकते हैं, मैं तो लीटर बनाता हूँ 4400 रुपये में। एक ये है जी 60 रुपये का, ठीक, 60 रुपये में पड़ेगा, वो भी आपको भी बताते हैं ये कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है इसका एक का। और ये लास्ट पे आता है हमारा ये वाला, ठीक, ये प्रोडक्ट चेक कर लें, ठीक है। ये सारी घर पे एक बनाई हुई है मैंने चीज़ें, तो इसकी क्या है जी 10 रुपये, क्या है 10 रुपये, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप जो है मेरे चैनल पर आए रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ का देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ वही बहुत कुछ फ्री में देखने को सुनने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज दिखती मिलती हैं, और जो है हमारा चैनल भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ लाल बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल के आइकन लाजमी प्रेस करना है। अच्छा जी, अब आते हैं जी थिनर के ऊपर। थिनर है जी बाज़ार से मिलता है जी, सस्ता भी मिलता है भाई, कहते होंगे 200 रुपये मिलता है, 250 रुपये में मिलता है, 200 का मिलता है, 300 का मिलता है, 500 का, बट वो जो 200 वाले होते हैं ना वो काम नहीं करते जो ये काम करता है, ठीक है। मैं ये काम इसलिए कर, आप कहेंगे आप खुद भी बना सकते हैं घर में, बनाता हूँ भाई, बट ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब मेरा काम है ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, मैं अपना जो है जब काम कर रहा होता हूँ ज़्यादा, ठीक है, कोई ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं उसका यूज़ नहीं करता, फिर मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है, मुझे जल्दी होती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, तो इसलिए मैं ये भी यूज़ करता हूँ, अपने पास रखता हूँ, ठीक। अब आ जाते हैं थिनर के ऊपर, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट ये है जी थिनर, ये आपको मिल जाएगा 200 रुपये के लीटर, ठीक है, 200 रुपये ऊपर भी मिलता है। तो मैंने हल्की यानी कि दरमियानी क्वालिटी का लिया हुआ, इसका भी जो मैं ब्रश के लिए साफ नहीं कर, ब्रश साफ हो जाता है बट मैं इसको ब्रश के लिए साफ़ नहीं करता, मैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अगर जाना चाहते हैं तो पीछे मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो थिनर 200 रुपये के फी लीटर, बट ये भी महंगा है, ठीक। तो चलें जी आ जाते हैं जी अपने जो 60 वाली प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो हमने 60 वाली बनाई है, ये चेक कर लें इसका कलर, ठीक, घर भी बनाई हुई है, बाज़ार से नहीं खरीदी, ठीक, इसका कलर देख लें। और इसकी कीमत है जी 60 रुपये। इसको कैसे बनाना, क्या तरीक़ाकार है बता दूँ, चलें जी बता देता हूँ, तो चलें प्लीज़ अगर आपको फ़ायदा देना है मेरी वीडियो, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, किसी भाई का भला हो जाए यार, हर बंदा पैसे वाला नहीं होता, अच्छा हर बंदे का कारोबार अच्छा नहीं होता, तो आपका अच्छा है तो फिर हर किसी का अच्छा नहीं होता, ठीक है।
हमारे जो है इलाके हैं मुख्तलिफ, कई जगह पे मार्केट अच्छी है, कई जगह पे हम पैसा भाई लगा के बैठे होते हैं पर मार्केट अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो वो फिर उनके लिए भी अगर वीडियो उनके तक पहुँच जाए तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है ना, तो ये सदका किस्म का जारी होता है, ठीक है, किसी आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, चले जी ये है जी 60 की हमने तकरीबन 1 लीटर हमने इसको बनाया हुआ, ठीक है। ये क्या है, कैसे बनाना है इसको, आपने जाना है शॉप पे, ठीक, शॉप पे जाएंगे, कोई भी शॉप किराना स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आपने लेना कोई भी साबुन। मैंने तो अच्छा वाला लिया हो ना, गाय सोप, ठीक है, मैंने गाय सोप का लिया हो, यानी कि 120 का पैकेट मिलता है, दो होते हैं, तो मैंने एक ले लिया, यानी कि 60 रुपये का। आपने क्या करना है, सस्ता सस्ता भी लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक, कोई इशू नहीं है उसमें, मर्जी मुझे अच्छा लगा तो मैं इसमें ले लिया, आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले लें। गाय सोप आपने लेना है, उसको आपने करना है ग्रैंड, यानी कि मोरी कश नहीं होता, उसको ब्रिक ब्रिक उसके अंदर जरे बनाने हैं, ठीक, करके लेना है आपने पानी, ठीक है, पानी लेना है, उसको जो है आपने पानी के अंदर डालना है इसको, ठीक, मिसाल के तौर पे पानी एक किसी बॉल में लेना जो, ठीक है, गारा बर्तन ले लें कोई भी, उसको पानी में थोड़ा सा उसको डालना है। ये 1 लीटर आप बनाना चाहते हैं तो आपने तकरीबन इसको 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, ताकि उसने गर्म भी हो गए, थोड़ा सा भापन के उड़ जाता है, ठीक है। तो साबुन जो हमें मैश किया होगा वो आपने उसके अंदर डालना है, उसको आपने हलाना है, अभी आप बिल्कुल आप देखें लिक्विड बन चुका है, ठीक है, तो इस तरह लिक्विड बन चुका है, तो फिर आपने क्या करना है जी, उसको उतार लेना है, ठीक, इतना भी गर्म नहीं करना कि वो जो वो ज़्यादा हो जाए, ख़राब हो जाए। उसको फिर आपने क्या करना है जी, देखें जी इस तरह का लिक्विड बन जाएगा, उसी बोतल में आप डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगा, ये बन गया, ठीक है, अब इस्तेमाल कैसे करना है, कई बनी हुई, ठीक है जी, इस्तेमाल किया, ये नहीं भाई, ये जी जम भी जाता है, ठीक है, इसको जमने का तरीका अगर ये देखें साबुन होगा तो उसने नीचे ऐसे से बैठना है और उसने जम जाना है। इसे इस तरह कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी आगे चल कर बताता हूँ। तो सबसे पहले बनाने के तरीके मैं बता रहा हूँ और जो ना इसको यूज़ कैसे करना है। ये है जी 40 रुपये की, इसकी 40 लागत आई है, ठीक, इसको कैसे बनाना है, शॉप पर जाना है, ठीक, शॉप पर जाने के आप कहना है कि भाई मुझे जो है ना लेमन मैक्स नहीं होता, ठीक, लेमन मैक्स होता है बर्तन धोने वाला साबुन, वो आपने लेना है, ठीक, ले लें 40 वाली इतनी टिक्की मिलती है, आपने उसको भी ऐसे ऐसे कश करना है, कश क्या करना है उसको, तो ऐसे 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 हाथ से भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसको भी हाथ से आप हाथ के कश करके मैक्स करके पानी में डाल के ना इस तरह हलाना है, तो इस तरह का ये भी बन जाएगा, ठीक, तो वो भी आहिस्ता 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 नीचे बैठ जाता है, वो भी तरीकाकार बताऊँगा कि आपने कैसे उसको ठीक करना, और इसका ये नहीं कि लिक्विड बन गया और इसका इस्तेमाल किया, नहीं आगे यूज़ करने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट पे आ जाती है हमारी प्रोडक्ट 10 रुपये की, ठीक है, 10 की आ जाती है प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं जो है ना आपके साथ क्या कहते हैं उसको शेयर कर लूँ कि उसको जो है कैसे यूज़ करना है, बाद में इसके 10 रुपये वाली पे आता हूँ कि ये जो है ना 10 रुपये वाली, क्योंकि ये सस्ती भी है, सारी बात है, इसको थोड़ी वेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आ जाते हैं 60 वाली के ऊपर। देखें जी मैंने आपको तरीका बताया, गर्म पानी लिया उसमें, उसको आपने मैश कर लिया, इस तरह का लिक्विड बन जाएगा, बाद में बैठ जाना इसने, ठीक है, तो आपने क्या हला के यानी कि इसको फिर से आप इस तरह का बना सकते हैं। और एक यानी कि चक्की, दो एक चक्की लेते हैं ना, ठीक है, एक चक्की आपने लेनी है, साबुत होनी चाहिए, एक तो हमने ये बना ली, एक चक्की आपकी साबुत होनी चाहिए। जब आप ऐसे मिसाल की तरह काम करते हैं ना, जेलकोट लगाते हैं, जेलकोट में इस तरह यूज़ करते, फिर ये हमारा जो है ना ब्रश के अंदर ब्रश की इस तरह हालत हो चुकी होती है, ठीक है, यानी कि जेल कोट इस तरह साइडों पे लगा होता है, ठीक है, रेजर लगा दिए, जेल कोट लगा दें, ये लगा होता है। भाई सब तरीका समझा रहा हूँ, समझिएगा जरूर यार, समझते नहीं हो आगे के स्किप करते फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा ये होता है ना गंदा हो जाता है, इसको आपने क्या करना है, पानी एक चीज़ में डब्बे में ले लेना, कोई डब्बा ले लें, उसके अंदर आप इसको डालना, इस तरह से हलाया मैं यानी कि मिक्स करना इसको, ठीक है, अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे करना। उसके बाद आपने क्या करना है, निकालना है, ठीक, निकाल के किसी दीवार पे या फिर आप जो है फेबर ग्लास की शीट, मैं आपको दिखाता हूँ, फेबर ग्लास देखें, या फिर आपने फेबर ग्लास एक होती है ये, ठीक, एक चीज़ ये तो है नीट, ठीक है, एक चीज़ होती है खुरदरी सी, ठीक है, ये आपने शीट ले लेनी है कोई भी, जहाँ आप काम करते हैं उसकी दीवार के साथ चिपका देनी है, ताकि आप जब भी काम करें, जब भी आपका ये हो, सबसे पहले आप उसके साथ रगड़ा करें, ठीक है, रगड़ा करें, ठीक है, ये तो ज़रा समझाता हूँ यार, ताकि कि भाई समझ नहीं आती, रगड़ा करें, उसके बाद जो पानी में ये साबुन वाले में डाला, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे किया, बाद में जो है
उसको फिर साफ करके साबुन के ऊपर आपने एक एक ऐसे बार करके ना साबुन के ऊपर लेप करके, यानी कि साबुन के ऐसे ऐसे करके ठीक है ऐसे ऐसे मार के पानी के अंदर लगा के साफ कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। आप कहेंगे हम क्या आपने पन्ने पा दिए, नहीं भाई, जब आप करते हैं ना ये रेजा हमारा लगा होता है, या फिर आप ऐसी डाई कोई ऐसे ही देखें काम कर लें, या फिर आपने कोई डाई बनाई है, कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है जो पड़ा हुआ है उसके बैक साइड, एक होता है नीट एक बैक साइड, बैक साइड पे आप मार लिया करें। ठीक है, अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें। उसके बाद क्या है, यानी कि फिर आपने यानी कि साबुन के ऊपर लगा के इसे रगड़ा पानी में करके फिर से दोबारा साफ करके पानी के अंदर रखना है। ठीक है, इसको पानी के अंदर दोबारा रखना है। ठीक है, तो इसके ये तरीका भाई 60 रुपये वाले का, ठीक थोड़ा सा महंगा था जो घर में बनाएंगे, 60 रुपये का सस्ता है, बिल्कुल महंगा नहीं है, सस्ता है। अब आ जाते हैं 40 रुपये के ऊपर, 40 के ऊपर इसका थोड़ा सा तरीका और आसान है, जैसे जैसे हम बताएंगे ना तरीका और आसान होता जाएगा। ठीक, इसको क्या करना है जी भाई साहब, पानी इसको ये भी जा सकता है साबुन नीचे बैठ जाता है, इसको आपने हलाना है। ठीक है, हला के जब वही तरीकाकार है सेम, अगर कोई जेल कोट अप्लाई करते हैं, रेजर अप्लाई करते हैं शीट के साथ रगड़ा, बाद में जो है इस पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, या फिर साबुन ले लें, अगर लिक्विड नहीं बनाना साबुन ले लें, ठीक साबुन की टिक्की ले लें, वो भी साबुन की टिक्की ले लें, या फिर ये भी ले लें। ठीक, इसके ऊपर रगड़ा, ठीक है ऐसे दो बार ऐसे रगड़ेंगे तो वो जो जेल कोट हमारा जो पानी है वो ऐसे ना छोड़ देगा ब्रश को, फिर आपने रगड़ना है इंशाल्लाह साफ हो जाएगा, फिर इसे आपने पानी के अंदर इसको रख देना है। ठीक, या फिर आप सस्ता चा ब्रश क्लीनर या थिनर लेके उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने सबसे सस्ते और कीमती प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका भाई शॉप पे जाना है, एक लीटर पानी लिया, एक लीटर से ज़्यादा बना सकते हैं, मैं एक लीटर की बात कर रहा हूँ, मैं जो अपना करता हूँ। शॉप पे जाना है, किसी किस्म का भी एक सर्फ ले लेना है। ठीक, सर्फ लेना है तो सर्फ आपने वही तरीका पानी में डाला, इसको हलाना है अच्छे तरीके से ताकि बैठे ना। ठीक, जब ये मिक्स हो जाता है फिर ये बैठता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा ये बना हुआ पानी। ठीक है, ये सर्फ है तो आपने क्या करना है, इसका बहुत आसान तरीका, 10 रुपये का सर्फ लिया मैंने। ठीक, इसको जो है पानी डला होगा, आपने वही जो रीज़न है शीट के साथ लेप करना, ब्रश को एक तरह साफ करना, बाद में जो पानी के अंदर ऐसे से सर्फ के अंदर डाल के आपने फिर से रगड़ के आपने ब्रश बाहर रख देना। ठीक है, बाहर रखते हैं या अंदर दोबारा से रखते हैं। ठीक, ये चीज़ें जी, बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट जैसे जैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे, बट 3 ही चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने बना दी और आपको सिखा भी दिया। तो देखें भाई, इस तरह की वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई सिखाएगा, ना सिखा कोई तरीके बताता आपको। ठीक है, डिसन ब्रॉडकास्ट किया है जो आपकी खिदमत में हाजिर है और इस तरह आपकी ट्रिक बताता है। प्यार करें मुझे, मैं आपसे इंशाल्लाह दुगना तिगना प्यार करूँगा। ठीक है, तो किसी मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।